भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नूरदीनपुर के रहने वाले 50 वर्षीय संजय सिंह को सांप ने झूलन बाबा के स्थान में डस लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन अंधविश्वास के चक्कर में संजय कुमार सिंह को डॉक्टर के पास नहीं ले गए, वो किसी तांत्रिक के पास पहुंच गए, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस अंधविश्वास को देखने के लिए पूरे गांव के लोग झूलन बाबा के स्थान में जुट गए। वही अंधविश्वास को पूरे गांव के लोग आस्था के रूप में देख रहे हैं। गांव के लोग बोल रहे हैं कि ओझा के द्वारा इसको जिंदा कर दिया जाएगा। कुछ लोग तो इतने अंधभक्त हैं कि उसका कहना है कि यह बाबा 3 दिनों में मरे आदमी को जिंदा कर देते हैं। सच ही कहा गया है, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, अंधविश्वास अभी भी मौजूद है, जिसके चलते कई लोगों की जाने इस तरह से जा रही है। भागलपुर के बड़ी खंजरपुर स्थित डीआईजी कोठी के पीछे मोहल्ले में स्थित पर्यवेक्षक गृह रिमांड होम में बंद एक विधि विरुद्ध किशोर मंगलवार देर शाम संदिग्ध परिस्थिति में लटका मिला था। घटना के बाद पर्यवेक्षक गृह के कर्मी किशोर को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर को अस्पताल लेकर पहुंचे कर्मियों ने इस बात की जानकारी प्रबंधक को दी। इसकी जानकारी वरीय प्रशासनिक अधिकारियों और बरारी पुलिस को भी दे दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर SDO धनंजय कुमार सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी मामले की जाँच के लिए पहुंचे। करीब 2 घंटे तक जाँच चली, साथ ही घटनास्थल की भी जाँच की गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों रिमांड होम के मुख्य गेट पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे परिजन और ग्रामीणों का कहना था कि मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं मृतक की बहन ने रिमांड होम के पास अपने भाई के गुनाहगार को सजा दिलाने को लेकर जमकर हंगामा किया। मृतक की बहन ने कहा कि सुबह अच्छे से मेरे भाई से बात हुई थी, लेकिन मेरा भाई काफी परेशान था। वो कह रहा था कि यहाँ के कैदी मुझे काफी परेशान करते हैं, कई बार मुझे मुंह में कपड़े डालकर पिटाई करते हैं, मेरे से बर्तन मंजवाने का काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं और भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। इससे तंग आकर मेरा भाई डिप्रेशन में रहने लगा था। साथ ही उसकी बहन ने कहा कि इसका दोष सिर्फ और सिर्फ रिमांड होम के प्रबंधक का है, अगर वो सजग रहते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। गौरतलब है कि मृतक किशोर लड़मटिया थाने में शराब के साथ 4 दिन पहले पकड़ाया था और लड़मटिया पुलिस ने इसे शराब के जुर्म में सलाखों के पीछे रखा था। मद निषेध विभाग द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे JJ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे रिमांड होम भेज दिया गया था। वहीं बता दें कि मृतक किशोर की माह 3 सप्ताह पूर्व भी मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ी गई थी और वर्तमान में महिला मंडल कारा में बंद है। इस मामले को लेकर बड़ी खंजरपुर क्षेत्र रिमांड होम में देर शाम किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पाकर परिवार के लोग मायागंज अस्पताल पहुंचे। मृतक के मामा दुर्गा महलदार ने भी कहा कि रिमांड होम में साथ रहने वाले लड़के मेरे भगने के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करते थे। हम मिले थे, मामी मिला था, 4 बजे हम नहा से गए भैया से मिल के, नाश्ता पानी दिए भैया, बहुत बढ़िया था। मुल्क काल बेल नहीं हुआ, काल बेल होने वाला था, घर में जांच लिख दिया, घर जांच होगा तब बेल होगा, 2 दिन के बाद बेल हो जाता मेरा भैया को। हम बोले भैया 2 दिन रहिए, कैसे अभी 2 दिन के बाद आपका बेल हो जाएगा। बोला ठीक है, 2 दिन के बाद जल्दी कर देना, ना मारपीट होता है, बर्तन मलवाता है, पैर हाथ दबाता है, रात में बाथरूम में कपड़ा, कैदी सब मारता है उसको, मुंह में कपड़ा खोच के। एक बंदी उसका सुन लिया था, उसको की बोला चलो तुमको अंदर में बताएंगे, हम इतना नहीं जाने सर मेरा भैया को जान मार देगा, हम उसको पहचानते हैं, जो बोला तुमको अंदर में बताएंगे उसको हम सर पहचानते बहुत अच्छा तरह से। मार दिया है? हाँ मारा है मेरा भैया को, मेरा भैया अपने से नहीं मारा सर, मेरा भैया 2 दिन के बाद बेल होता। हाँ कैदी लोग मारता है डेली, सबको मारता है सर, गलत डर से कोने का। हाँ बोला था कोई सुन लिया था, जो मारा था उसको सुन लिया था, बाहर में बोलता है नहीं बताने के लिए, मारता है तो बाहर में बोलता है नहीं बताने के लिए, मेरा भैया हमको बता दिया, कोई सुन लिया बोला कोई चलो तुमको अंदर में बताएंगे, उसको हम पहचानते हैं। और अंदर में सर 4 बजते घटना हो गया, 4 बजे हम गेबे किए घर चुरते, कॉल आया कोई भैया की तबीयत खराब है, नहा है तो बोलता है मायागंज जा, मायागंज में देखे सिर्फ बेगा हुआ था लाश, मेरा भैया के पास एक भी पुलिस एक भी कोई नहीं था, मिथुन कुमार था और उसका कहाँ चल रहा था, एक बोतल दारू में पकड़ाया था, दारू भी मेरा भैया का था कि नहीं था नहीं पता सर, बियर था एक बोतल बियर था, रामपुर नाथ लगा एक चारी में भी घर है।
हाँ, एक चार माँ मम्मी से मिलने दीजिए सर, मम्मी जेल में है, दारू कैसे मम्मी भी बेलटुट्टी में जेल में है 2016 का। जूली कुमारी हम भैया के बिना नहीं रखते, भैया हमको ला दीजिए सर कहाँ से। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय टू गेट टू, बाय वन गेट 20% डिस्काउंट, बाय टू गेट 30% डिस्काउंट। यहां आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय वन गेट थ्री, बाय टू गेट फोर, बाय वन गेट 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मैंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहां आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है, डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जीवन जागृति सोसाइटी एवं नारायणा सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रविन्द्रनाथ टैगोर कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों के जन्मजात हृदय रोग की पहचान एवं संपूर्ण निदान हेतु मुफ्त कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि जन्मजात हृदय रोग बच्चों की एक गंभीर समस्या है। जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित करीब 2 लाख बच्चे भारत में हर वर्ष जन्म लेते हैं। इसमें से कई इलाज के बिना ही दम तोड़ देते हैं। इसमें से कई का पूर्ण इलाज शल्य चिकित्सा से ही संभव है, जो निम्न या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसमें से समय के साथ कुछ हृदय रोग स्वतः ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसी बीमारी होती है जिसका ऑपरेशन ही करना होता है। यदि समय पर ऑपरेशन करके ठीक नहीं किया जाए तो बीमारी लाइलाज हो जाती है। यह खुशी की बात है कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत CGHS रेट पर प्रत्येक तरह की बीमारी के लिए अलग अलग राशि मुहैया कराई जाती है, जिसके द्वारा सरकार द्वारा किसी भी अप्रूव्ड अस्पताल में लोग ऑपरेशन करा सकते हैं। लेकिन इस राशि को लेने के लिए एक पद्धति से गुजरना पड़ता है, लेकिन गाँव घर के गरीब अब कम पढ़े लिखे लोग इस राशि को सरकार से नहीं ले पाते। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत भी राशि के द्वारा भी मुफ्त इलाज हो सकता है। इसी कड़ी में जीवन जागृति सोसाइटी एवं पूर्व भारत के मशहूर नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता रविन्द्रनाथ टैगोर, जहां हर तरह का जटिल से जटिल हृदय रोग की सर्जरी होती है, के संयुक्त प्रयास से अंग क्षेत्र में जन्मजात हृदय रोगियों की पहचान एवं इसके मुकम्मल इलाज हेतु दिनांक 23 जुलाई को ABC अस्पताल बंसी टीकर बायपास में मेगा कैंप का आयोजन होना है, जिसमें उपयुक्त अस्पताल के बाल हृदय रोग सर्जन एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ आएंगे और वे खुद इको कार्डियोग्राफी करके बच्चों के हृदय रोग की पहचान करेंगे एवं बीमारी की गंभीरता के हिसाब से उसके इलाज की रूपरेखा तैयार करेंगे। जीवन जागृति सोसाइटी इस दिशा में सरकार एवं अस्पताल के बीच कड़ी का काम करेगी और कैंप का आयोजन के अलावा सरकार द्वारा प्रदत्त राशि वैसे मरीजों को दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाएगी, ताकि गरीब से गरीब एवं आमजनों के बच्चों का हृदय रोग का मुफ्त सर्जरी हो सके।
संस्था के अध्यक्ष एवं शिशु रोग विशेषज्ञ ने कहा कि हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से अभिभावकों से अपील करते हैं कि वैसे लक्षण वाले बच्चे जिनको बार बार सर्दी खांसी या निमोनिया होता है या बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होता, साथ ही थोड़ा चलने पर हांफने लगते हैं, उसका जीभ और ओठ नीला हो, हाथ की उंगलियों का नाखून मोटा हो गया हो, तो उसको हृदय रोग हो सकता है। अतः आप इस कैंप में जरूर आएं और आपके बच्चे का डॉक्टर के द्वारा बिल्कुल मुफ्त देखा जाएगा, साथ ही जरूरी जांच भी बिल्कुल मुफ्त होगा। उद्देश्य है कि बच्चों का जन्मजात हृदय रोग का इलाज, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसी के लिए जीवन जागृति सोसाइटी एवं नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में भी है, उसके संयुक्त तत्वावधान में हम लोग 23 जुलाई 2023 को एक मेगा मुफ्त हृदय कैंप करने का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें अंग क्षेत्र के कई जिलों जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, बांका इत्यादि जो भी आसपास के हैं, सभी जगह हम लोग प्रचार करेंगे और लोगों से व अभिभावकों से अपील करेंगे कि जिसको भी मालूम है कि हमारे बच्चे को हृदय रोग है वो आए, और जिनको नहीं मालूम है लेकिन वैसे बच्चे जिसको बार बार खांसी होता है, ठीक नहीं होता है, बीमार पड़ जाता है, वजन नहीं बढ़ता है, चलने में थोड़ा दूर चलने में हाँफने लगता है, नाखून टेढ़ा रहता है और उसका लिप्स और ठोर उसका जो है काला पड़ जाता है, ऐसे लक्षण जिनके भी बच्चे को दिखे वो कृपया 23 जुलाई को आएं, और उसके लिए हम लोग कुछ नंबर मृत्युंजय का नंबर जारी कर रहे हैं, और वो नंबर है 9572720515142। इस नंबर पर संपर्क करें और हम लोग इसको हर एक ज़िले के दुकानों में, दवा दुकानों में, क्लिनिक में हम लोग एक बृहद रूप से इसका प्रचार करेंगे और इसके इलाज जो है वो मुफ्त होगा। मुफ्त इस तरह से होगा कि बिहार सरकार राहत स्वास्थ्य के रूप में राहत देती है और ऐसे का एक CGHS रेट से पैसा मुहैया कराती है, जो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकता है। हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी उस कड़ी का काम करेंगे और सरकार द्वारा जो प्रदत्त राशि है उसको हम लोग उन जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि आम जनता उस फाइल के पीछे जा नहीं पाती है, पटना से वो स्वीकृत होता है, और हम लोग इस काम को करेंगे, और जिसमें नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हम लोगों को मदद करती है। तो इस तरह से हम लोग जो इलाज कराएंगे वो सरकार के द्वारा दी गई राशि के द्वारा और कुछ NGO इसमें मदद करते हैं, तो इस तरह से हम लोग कराएंगे ताकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अपने घर से लगभग नगण्य पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। और इसी तरह से हम लोग 4 वर्ष पहले किए थे और उसमें काफ़ी संख्या में 200 के करीब संख्या में हृदय रोग से बच्चे आए थे और 32 बच्चों का सफल ऑपरेशन हुआ और सारे के सारे ऑपरेशन सफल हुआ और आज वो बच्चे अपने घर की शोभा बने हुए हैं। संस्था के उपाध्यक्ष संबित कुमार ने बताया कि 2019 में भी संस्था ने उक्त अस्पताल के सहयोग से इसी तरह का मुफ्त कैंप का आयोजन किया था, जिसमें करीब 150 बच्चे हृदय रोग के चिन्हित किए गए थे। उनमें से 32 बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन किया गया था, उसमें से सभी ऑपरेशन सफल रहे और वो अपने माँ बाप के आंगन की खुशियां बने हुए हैं। अभिभावकों से अनुरोध है कि इस कैंप में आने से पहले मोबाइल नंबर 9709001279 और 9572205142 पर संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें, साथ ही अभिभावक अपना आधार कार्ड जरूर लाएं। मेरा नाम हरिओम प्रकाश हुआ, मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हावड़ा अन्नू रोड से आया हूं। मैं वहां के एक एम्प्लॉय हूं और यहां पे भागलपुर में डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर के साथ में बच्चा का हृदय रोग का एक कैंप होने जा रहा है, जिस और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर अमिताभा चट्टोपाध्याय पीडियाट्रिक कार्डियक डॉक्टर हैं, वो जो यहाँ पे जो कैंप होगा, जो बच्चे लोग आएंगे उनको फ्री में मुफ्त में इलाज किया जाएगा। उसमें अगर जो बच्चा के जो सर्जरी के लिए ऑपरेशन के लिए होंगे पेशेंट, वो रोगी होंगे, तो उनका बिहार सरकार द्वारा पैसा भी दिवा दिया जाएगा और पेशेंट को एक तरह से मुफ्त इलाज हो सकता है, इलाज होगा।
इसलिए जिस पेशेंट जिस जिनको मालूम नहीं हो जिनके बच्चे में बीमारी हो वो कृपा करके 23/7/2023 को आप आने का कष्ट करें। अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर पर्यटन विभाग के निदेशक नंदकिशोर कुमार पहुंचे। इस दौरान पर्यटन विभाग के निदेशक नंदकिशोर कुमार ने सदर एसडीओ धनंजय कुमार सहित विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए नमामि गंगे घाट उद्घाटन स्थल अजगैबीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अजगैबीनाथ गंगा घाट में जियो बैग लगाने का निर्देश दिया, साथ ही अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में टूटे हुए टाइल्स को बदलने का निर्देश दिया। विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु कांवरिया अजगैबीनाथ धाम पहुंचते हैं। इसके लिए कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं मनोरंजन के लिए तैयारियां की जा रही है। विभाग के सभी अधिकारियों को 1 जुलाई तक संपूर्ण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। मेला का तैयारी हम लोग जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं जो ऐसे जल उठाते हैं उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं उनको बेहतर सुविधा मिले और यहाँ उनको कल्चरल जो हम लोग कार्यक्रम कराते हैं उसका भी वो अलग आनंद उठाए और किसी तरह की परेशानी नहीं हो उनको प्रॉपर सूचना मिले ये सब की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। निर्देश क्या क्या दिया गया यहाँ काम चल रहा है निर्देश है कि 1 तारीख तक इसको पूरा करना है क्वालिटी वर्क पूरा करना है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के समीप नाइट शेल्टर बनकर तैयार है, जबकि अस्थायी रूप से बने दुकानों के चलते आवाजाही में लोगों को परेशानी होती है। इसी बाबत मायागंज अस्पताल के समीप अस्थायी रूप से दर्जनों दुकानों को हटाया गया और सख्ती से पालन करते हुए नगर निगम का बुलडोजर चला। बुलडोजर चलते ही लोगों में हड़कंप मच गया, लोग अपनी दुकानों के सामानों को समेटने में लग गए। इसको लेकर नगर निगम भागलपुर के सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने वहां अवैध रूप से बने दुकानों को खाली करवाया। उन्होंने कहा कि अगर फिर से इस दुकान को इस जगह लगाया जाता है तो वैसे दुकानदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा। गौरतलब है कि इस तरह के अतिक्रमण हटाने के कार्यक्रम को नगर निगम लगातार करती रहती है, फिर भी अस्थायी रूप से चलने वाले दुकानों को एक बार हटाया जाता है फिर वो दुकान वहां पर सज जाती है। अनुमंडल दंडाधिकारी भागलपुर के संयुक्त आदेश के आलोक में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर में अतिक्रमण जो है से अभियान मुक्त कराने का अभियान चलाया गया नगर निगम के द्वारा और सभी जो है अस्थाई अस्थाई जो भी दुकानें यहाँ पर ही लगी हुई थी उसको हम लोग अतिक्रमण मुक्त करके सर सफाई जो है सो करवा चुके हैं। अच्छी तरीक़े से जो है सर सफाई करा दिए हैं। अब किसी तरह का जो है सो अस्थाई दुकान जो है से यहाँ पर ही लगाने का परमिशन नहीं है। और फ्यूचर सर नगर निगम कर्मी द्वारा क्या किया जा रहा है फॉर फ्यूचर जो है अतिक्रमण नहीं है? पर फ्यूचर के लिए हम लोग का द्वारा स्मार्ट सिटी के द्वारा जो है भेंडर का दुकान जो है बन के तैयार हो गया है। हम लोग जो है भेंडिंग जोन का दुकान है जिसको हम लोग बहुत जल्द ही जल्द जो है उसका डाक करके उसको अलॉट कर देंगे। इससे होगा कि जितने भी अस्थायी रूप से जो यहाँ पर ये दुकान लगाए हैं वो सब का दुकान सिस्टमेटिक रूप से लग जाए। बिहार के नई शिक्षा नीति के तहत हो रहे स्नातक प्रथम वर्ष के नामांकन तुरंत बंद करने के आदेश के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के समक्ष बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बिहार के कुर्सी कुमार नीतीश कुमार और उनके तोता रूपी के पाठक ने पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के कुलपति को आदेश जारी किया है कि एनईपी नीति के तहत जो नामांकन प्रक्रिया है उसे अविलंब बंद कर दिया जाए। इस तरह के कार्य से छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, यह नीति कहीं से सही नहीं है। इसी बाबत आज हम लोगों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है और बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। साथ उन्होंने बताया कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। परिषद भागलपुर द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का पुतला दहन किया गया है। मैं आपको जानकारी में दे दूं कि अभी कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि आप बिहार के अलावा अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी यहां पर जो है शिक्षा भर्ती में शामिल होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब बिहार में विद्यार्थियों की कमी हो गई है, जिस प्रकार से यहां के बिहार के कामगार अन्य राज्यों में जाकर के अपना काम खोज रहे हैं उसकी तलाश कर रहे हैं, उसी तरह से ये सरकार नीतीश सरकार चाहती है
कि बिहार के विद्यार्थी भी अन्य राज्यों में अपने रोजगार के लिए भटके। विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। साथ ही हम चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में लागू की जाए, ताकि बिहार के छात्रों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। शिक्षा मंत्री के बयान से लगता है कि जैसे बिहार में वह अपनी ही शिक्षा व्यवस्था पर एक उंगली खड़ी कर रहे हैं। क्या उनकी शिक्षा व्यवस्था इस लायक भी नहीं है कि वो छात्रों को तैयार करके रोजगार दिला सके? यह विद्यार्थी परिषद उनसे पूछना चाहती है।